19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत, आज से लगभग 125 साल पहले का समय, भारत में राष्ट्र निर्माण का शुरुआती दौर, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का संघर्ष धीरे धीरे व्यापक जनाधार प्राप्त करने की ओर तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों और पिछड़ेपन से मुक्ति के लिए नई दिशाओं की खोज भी इसी दौरान हुई। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों में शिक्षा न के बराबर थी और अलग अलग क्षेत्रों में सुधार आंदोलन इस कमी को दूर करने के नित नए तरीके ढूंढ रहे थे। महिलाओं को शिक्षित करने के जो प्रयास इस समय हुए उनसे हम आज भी काफी सीख सकते हैं। ये दस्तावेज इसीलिए तैयार किए जा रहे हैं। प्रस्तुत दस्तावेज में लाला देवराज द्वारा सन 1886 में शुरू किए गए कन्या महाविद्यालय के 115 साल लंबे सफर पर एक नजर डाली जाएगी। पंजाब के चंद बड़े शहरों में से एक जालंधर, शहर से बाहर निकलिए तो 30 एकड़ में फैला है कन्या महाविद्यालय और उसके साथ जुड़ी हैं लाला देवराज और आचार्य लज्जावती की अनगिनत यादें। इस परिसर में और इससे बाहर मोहल्ला थापरान की इस इमारत में जिंदा है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र के नारी शिक्षा आंदोलन का इतिहास। देश के विभिन्न हिस्सों में जो सुधार आंदोलन चल रहे थे, आर्य समाज भी उनमें से एक था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की और जल्द ही लड़कों को शिक्षित करने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोले गए। आर्य समाज में ही लड़कियों की शिक्षा का प्रश्न उठा। नारी शिक्षा के समर्थकों ने कहा कि महिलाओं में वैदिक प्रचार के लिए और पढ़े लिखे लड़कों की पत्नियां भी पढ़ी लिखी हों, इसके लिए नारी शिक्षा जरूरी है। इस प्रश्न पर आर्य समाज दो गुटों में बट गया। पहला तो मनमुटाव आया इस पे कि स्त्री शिक्षा हो भी के ना हो, और उसमें विडंबना की ये बात है कि जो प्रोग्रेसिव कहलाए जाने वाला डीएवी विंग था उसने शुरू में बिल्कुल इसका विरोध किया कि इसकी क्या जरूरत है, हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज हैं और उसको स्त्रियों में डाल देंगे तो हमारे पुरुषों के लिए हम क्या कर पाएंगे, तो इसलिए अभी इसको छोड़ दिया जाए, ये कोई जरूरत नहीं है। तो पहले तो ये शुरू हुआ। और गुरुकुल विंग, जिसको कंजर्वेटिव माना जाता है, जिसको रूढ़िवादी मानते थे ये प्रोग्रेसिव विंग वाले, गुरुकुल विंग ने इसकी शुरुआत की और लाला देवराज ने उस विंग के साथ अपना पहले तो नाता जोड़ा स्त्री शिक्षा। लाला देवराज जो गुरुकुल पक्ष के साथ थे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। परिवार में उनकी माँ काहन देवी और उनके बहनोई लाला मुंशीराम उनके समर्थक थे, बाकी सब विरोधी। लाला देवराज की प्रेरणा स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज का जो आंदोलन था उसकी जो शिक्षाएं थी उनको लेकर लाला देवराज आगे बढ़े थे। 3 मार्च सन 1860 को जन्मे लाला देवराज को अपनी माँ से अपार प्रेम था और वो ही उनकी प्रेरणा का स्रोत भी थी। लाला जी की प्रारंभिक शिक्षा एक मदरसे और मिशन स्कूल में हुई। उनके दादा और पिता जालंधर के ऑनररी मैजिस्ट्रेट रहे। लाला जी ने खुद भी इस पद पर काम किया पर स्वराज आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दे दिया। उनके दो भाई तो देखिए बरसते थे, उनके पास बगियां थी, कारें थी, सब कुछ था। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के बिल्कुल जैसे साधु महात्मा की तरह सब कुछ छोड़ के इसी मिशन के पीछे लग गए थे। स्वाभाविक है ऐसे में माँ का समर्थन देवराज जी के लिए बहुत बड़ा सहारा बना। सन 1886 में गुरुकुल पक्ष के फैसले पर माँ काहन देवी की देखरेख में 6 छात्राओं के साथ उनके मकान पर स्कूल शुरू हुआ। माई लाडो जो पहले एक मिशन स्कूल में पढ़ा चुकी थी 1 रुपए महीना की तनख्वाह पर पहली अध्यापिका बनी। पैसे की कमी से कुछ दिनों में ही स्कूल बंद हो गया। 2 साल बाद दूसरी कोशिश की गई पर सफलता नहीं मिली। सन 1890 में स्कूल फिर शुरू हुआ। सन 1892 तक
55 छात्राएं स्कूल में आने लगी। देवराज जी के परिवार की बच्चियां भी इनमें शामिल थी। जो स्कूल है बिल्कुल किले के अंदर था, और किले के अंदर इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय माँ बाप जो है बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। देवराज जी जो लड़की दाखिल होती थी उससे मिलते और अपने लिख तेरा नाम क्या है, कोई नंगा सिर नहीं रखना, सुबह हवा से लगने प्रार्थना करने, विद्यालय के लक्ष्य बताने, तीन लक्ष्य प्रार्थना करने, मतलब एक लड़की को पता लग गया कि मेरा पिता है। शुरू शुरू में बहुत छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में आती, उनकी मूछें खींचती और उनके साथ आंख में चोली खेलती, उनके कंधों पर चढ़ जाती। इन बच्चियों के लिए उन्होंने हंसी खेल में शिक्षा वाला तरीका निकाला। शिक्षा का एक जो परिकल्पना थी लाला देवराज की, वो इससे भी कि उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट को हंसी खेल में शिक्षा का नाम दिया। और वाकई ही, और विद्यालय में छोटी लड़कियों के लिए एक हो मंडली नाम की ग्रुप हुआ करती थी, जिसका काम ही था हुदड़ंग करना और लाला जी के साथ खेलना और उनके सर पे चढ़ना और उनकी मुझे भी खींच लेना। तो मस्ती का माहौल, हंसी का माहौल, रिलैक्सेशन का माहौल। इस सारे समय लाला देवराज और विद्यालय पर हमले होते रहे, अखबारों में लेख और घर पर पथराव नियम ही बन गए थे। कॉलेज ग्रुप का मानना था कि लड़कियों का स्कूल चलाना आर्य समाज के सीमित साधनों को व्यर्थ करना है। समाज के जो ठेकेदार थे उस वक्त के, उन्होंने उनका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और इतना बड़ा एक परिसर बनाया 30 एकड़ के करीब उस वक्त, ये सोचते हुए कि आगे चलकर एक ये भव्य विद्यालय बनेगा। ये सब हो रहा था, पर विरोध था कि बढ़ता ही जाता था। खुद लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेताओं ने विद्यालय का विरोध किया। उन्होंने इस विषय पर दयानंद एंग्लो वैदिक समाचार में एक बड़ा लेख भी लिखा। बहुत बाद में जब कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया, तो लाला लाजपत राय ने अपनी राय बदली। लाला लाजपत राय जब आए हैं तो आचार्य जी बताया करती थी कि शाम के वक्त मुझे पता लगा कि कल लाला जी आएंगे। समझ नहीं आ रही थी कि उनका स्वागत कैसे किया जाए, तो इन्होंने धरती पर कीलें गाड़ी और उस पर रस्सियां बांध के कीलों के ऊपर दिए जला दिए, भारत का नक्शा बना दिया। ऐसी सोच का होना, वो कहते हैं कि कीलें हमने इस प्रतीक में ली थी कि भारत गुलाम है, दिए हमने इस कामना से जलाए थे कि रोशनी फैलेगी, हम आजाद हो जाएंगे। तब उन्होंने बच्चियों से एक गीत लिखवाया जिसमें था कि बता जननी बता माता, विदा जल्लाद कब होगा, बता माता बता जननी कि तू आजाद कब होगा। तो लाला जी ने ये वाली पंक्तियां सुनने के बाद और शाम के धुंधलके में जलते हुए दियों को देखकर ये घोषणा की थी कि अगर कन्या महाविद्यालय जैसी संस्थाएं कायम हैं तो हिंदुस्तान की आजादी को कोई रोक नहीं सकता। बच्चियों में देश प्रेम की भावना उस पाठ्यक्रम से आई जो लाला जी ने खुद तैयार किया था और जिसके लिए उन्होंने कड़ा परिश्रम किया था। उनको किंडरगार्टन सिस्टम से, मॉन्टेसरी सिस्टम से, किसी सिख विद्यालय से, महाराष्ट्र में कोई विद्यालय खुला है, बंगाल में कोई खुला है, जापान की जब उन्हें विमेंस यूनिवर्सिटी की खबर मिली तो उस हर एक में जो अच्छी बात उन्हें दिखी, जैसे विचारों में भी इस्लाम से, सिख धर्म से, हर जगह से उनको जो अच्छी, ईसाई धर्म से जहां से अच्छी बात मिली उन्होंने ले ली। लाला जी ने जब लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत की तो उस समय उनका उद्देश्य उन्हें केवल अच्छी गृहिणियां और प्रचारिकाएं बनाने का था, लेकिन धीरे धीरे उसमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना भी जुड़ती गई। इसके साथ साथ अपने परिवेश, अपने चारों तरफ के माहौल और जिंदगी की बुनियादी जानकारी भी इस ज्ञान का हिस्सा बनी। उनकी कल्पना जो थी
वो भारत की एक उस नारी की थी जो हमारी वैदिक संस्कृतियां लेके चलती है और आधुनिक ज्ञान की भी उसमें भी पासा जागे। हालांकि शुरुआत है कि आर्य माताएं बनानी है, पर उस आर्य माताओं को खेती का ज्ञान है, यानी बॉटनिस्ट भी है, उसको फूड प्रोसेसिंग भी सिखाई गई, उसको ग्रेन को कैसे स्टोर किया जाता है छोटी सी उम्र में, ये जो यानी केमिस्ट भी है वो केमिस्ट्री का ज्ञान भी उसको दिया जा रहा है, कौन से पेस्टिसाइड कौन से इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर जो नई लहर शिक्षा के लिए चली उसमें शिक्षा संस्थाएं तो बहुतों ने बनाई, पर ये कि औरतों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, रट्टा ज्ञान नहीं। जब विद्यालय शुरू हुआ तब देवराज जी कहते थे कि नारी शिक्षा के बिना रूढ़ियों और अंधविश्वासों से छुटकारा नहीं मिल सकता, लेकिन अब वो ये भी कहते थे कि बिना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के देश आजाद नहीं हो सकता, और उन्होंने विद्यालय को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। बच्चों को बिठा के उनको समझाया करते थे कि हम कैसे गुलाम हैं, हमें स्वतंत्र होना है। और यहाँ पर एक दो स्थल थे जैसे गुरुदत्त भवन है या और जहां भी बहुत बड़े बड़े नेता आते थे या देश की स्वतंत्रता की बात होती थी वहां पर लड़कियों को लेके जाते थे। ये विद्यालय स्वतंत्रता सेनानियों का दूसरा घर बन गया। सभी यहाँ आते, छात्राओं से मिलते और उन्हें प्रेरित करते। ये सब उस समय हो रहा था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। क्या दिन रहे होंगे वो भी। सरकार से पैसा नहीं लेंगे, उनकी लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ेंगे और उन सब के लिए द्वार खोल देंगे जो अंग्रेज सरकार के विरोधी हैं। खाली पेन चरखा चलाना शुरू कर दिए, करा या नहीं करा चलाना शुरू कर दिए। फिर जल्द बनवाना आपको बता दिया, सिखा दिया कुछ काम और सिखा दिए, ताकि खादे का तो बहुत अच्छा चले। देर देर ने खुद अपनी डिग्री छोड़ दी, जिलंधर वाले सब सबने डिग्री छोड़ दी थी। देवराज जी ने विद्यालय से पांचाल पंडिता पत्रिका निकालनी शुरू की जिसने बाद में जलविद सखा का रूप ले लिया। इन पत्रिकाओं ने सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और रानी लक्ष्मीबाई को आदर्श नारियों के रूप में पेश किया और देश विदेश में महिला अधिकारों के संघर्ष की सूचना भी छापी। इस सब के साथ साथ उन्होंने छात्राओं को राजनीतिक सम्मेलनों में ले जाना भी शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आंदोलन के लिए विद्यालय की लड़कियों ने चंदा जमा किया। सन 1920 के सत्याग्रह में विद्यालय की छात्राएं और अध्यापिकाएं आगे आगे थीं। सन 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में विद्यालय की 70 छात्राओं ने भाग लिया। लाला देवराज के लिए ये अपने आप में एक एंड, स्त्री को आजाद मुक्त देखना एक अपने आप में एक एंड बन गया। और तभी जब 1930 की उनकी जो एक टिप्पणी है कि जब असहयोग आंदोलन में बहुत भारी पैमाने पर स्त्रियों ने अगुवाई का रोल अदा किया, तो लाला देवराज ने अपनी डायरी में लिखा कि देश को आज़ादी मिले ना मिले मुझे पता नहीं, पर मुझे मेरी आज़ादी आज मिल गई है। मेरा जो सपना था औरत को आज़ाद और देश में अगुवाई की भूमिका निभाते हुए देखने को, वो आज पूरा हो गया। जालंधर के पुराने इलाके के मोहल्ला थापरान में लाला देवराज द्वारा शुरू किया गया ये स्कूल आज एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सन 1893 में लाला देवराज ने विद्यालय को हाई स्कूल बनाने, हॉस्टल खोलने का प्रस्ताव रखा। साथ में चंदे की अपील भी की गई। चंदा इसलिए भी जमा करना जरूरी था क्योंकि लाला जी ने अंग्रेजी सरकार से मदद न लेने का फैसला किया था। इस सब ने विद्यालय और उसकी छात्राओं को एक जनतांत्रिक और उदार व्यक्तित्व प्रदान किया। लाला देवराज ने छात्राओं को खुद फैसले लेने की क्षमता दी और उन पर अमल करने के अधिकार भी। लाला जी की सबसे पहली महिला सहयोगियों में से एक सावित्री देवी हिंगड़े महाराष्ट्र में महर्षि कर्वे का विधवा आश्रम देखकर आईं, तो उन्होंने महाविद्यालय में वैसा ही प्रयास करने की बात लाला जी से की ताकि महिलाओं को शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया जा सके।
सावित्री देवी खुद विधवा थीं और आश्रम चलाने का ढंग सीख कर आई थीं। लाला जी ने उन्हें आश्रम शुरू करने में सहायता दी। सावित्री देवी विधवा आश्रम की संचालिका बनी और बाद में विद्यालय की पहली महिला प्रिंसिपल भी। सन 1886 में जब स्कूल शुरू हुआ तो कौन जानता था कि अपने जीवन में लाला देवराज उसे कॉलेज में परिवर्तित होते हुए देखेंगे, और ये कौन जानता था कि वो छोटी सी 6 साल की बालिका जो लाला जी के कंधे पर सवारी किया करती थी, एक दिन उनके बाद आचार्य लज्जावती बनेगी। आचार्य लज्जावती ने पराधीनता से स्वाधीनता तक का सफर इस विद्यालय के साथ पूरा किया। आचार्य लज्जावती जी की भूमिका बहुत रही। उन्हें आचार्य कहा और वास्तव में आचार्य थी। उन्होंने इस शिक्षा संस्था को संभाला और इसे बड़ा किया और इसे आजादी की लड़ाई में से निकालकर आधुनिक और आजाद भारत के लिए तैयार किया। लज्जावती लायक बहुत थी, बहुत। चित्तरंजन दास अंग्रेजी को बोला तो लज्जावती ने अनुवाद किया। सबने कहा कि चित्तरंजन दास इतना अच्छा नहीं बोला जितना लज्जावती अच्छा बोला। लज्जावती की भाषा, लज्जावती की इंग्लिश, लज्जावती का व्यवहार। नारी शिक्षा में कन्या महाविद्यालय जालंधर के योगदान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और देश के दूसरे कोनों में सैकड़ों हजारों महिलाएं जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की उन्नति में अपना अपना योगदान दे रही हैं, उनमें से बहुत सी जलविद कन्याएं हैं। सन 1886 में नारी शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआती कदम उठाने वाला यह विद्यालय हमेशा ही अपनी छात्राओं को वो सब उपलब्ध कराता रहा है जो विकासशील समाज में उन्हें सक्षम बना सके। और जाहिर है, विज्ञान और आधुनिक तकनीक संबंधी विषयों की शिक्षा इसके लिए बहुत जरूरी है। विज्ञान और सूचना तकनीक के इस दौर में कन्या महाविद्यालय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा के अपनी छात्राओं को अवसर प्रदान करता है ताकि वो आधुनिक समाज में अपना उचित स्थान पाने के काबिल बन सकें। कृषि में आधुनिक तकनीकों का विकास जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ जुड़ा है। कन्या महाविद्यालय में इन विषयों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन और बायोकेमिस्ट्री अपेक्षाकृत नए विषय हैं। डिब्बाबंद भोजन की बढ़ती हुई मांग के कारण इन विषयों के जानकारों की मांग भी बड़ी है। दोनों ही विषय कन्या महाविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। बड़ी संख्या में इन विषयों में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं इस बात का सबूत हैं कि वो नए अवसरों की खोज में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। जब विद्यालय शुरू हुआ था तब यहाँ केवल लाला देवराज द्वारा लिखी किताबें ही होती थीं। उस समय नारी शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखी गई चंद ही किताबें थीं। पर आज कॉलेज के पुस्तकालय में सभी विषयों पर पुस्तकों का बहुत बड़ा भंडार है। कॉलेज पुस्तकालय की ये नई इमारत इस बात का सबूत है कि शब्दों से प्रेम की वो परंपरा जिसकी शुरुआत लाला देवराज ने की थी आज भी जिंदा है। लाला देवराज के लिए शिक्षा मुक्ति का हथियार था और नारी शिक्षा नारी मुक्ति के द्वार खोलने का साधन। शिक्षा आत्मविश्वास को जन्म देती है और समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की क्षमता। वो मुक्त और स्वच्छंद माहौल जो कन्या महाविद्यालय में आपको मिलेगा उसकी बुनियाद लाला देवराज ने अपने हाथों से रखी थी।
समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए ये भी जरूरी है कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास और स्वास्थ्य की ओर भी जागरूक रहा जाए। और इस मामले में भी कन्या महाविद्यालय की छात्राएं राज्य भर में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। चाहे खुले मैदान में जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस हो या फिर इंडोर जिम्नेजियम की नई इमारत में खेलकूद और कसरत या नृत्य और गायन, ये सब कुछ कॉलेज के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कक्षा या प्रयोगशाला में पारंपरिक या आधुनिक विषयों की शिक्षा। मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विधाओं से परिचय, ये सब मिलकर जल्द छात्राओं को एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित करने में सहायता करता है। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस जो इंसान को चाहिए सोसाइटी में कुछ बनने के लिए एक औरत को, वो मैंने इस कॉलेज से पाया था और मैं चाहती हूँ कि मेरी जनरेशन वो चीज़ को महसूस करे। संगीत की शिक्षा कन्या महाविद्यालय के शुरुआती दौर में ही आरंभ कर दी गई थी। उस समय इसका कड़ा विरोध हुआ था, पर संगीत की शिक्षा कभी रुकी नहीं। कन्या महाविद्यालय आर्य कन्या महाविद्यालय के नाम से शुरू हुआ था और आज भी आर्य समाज की उन परंपराओं से जुड़ा है। विद्यालय का उद्देश्य था कि लड़कियों को कुशल मां और सफल गृहिणी बनाने के लिए तैयार किया जाए या फिर आर्य समाज की परिचायिका के रूप में। शुरुआती पाठ्यक्रम इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप बनाया गया था। उसी पाठ्यक्रम का परिवर्तित रूप आज के होम साइंस और फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज हैं। इन 115 वर्षों में लाखों बच्चियां यहां से पढ़कर बाहर गई हैं। कईयों ने जा कई न्यायाधीश बनी, कोई जिलाधीश बनी, कोई डॉक्टर बनी, कोई इंजीनियर बनी, कई सफल गृहिणियां तो बनी ही, कईयों ने जाकर समाज का नेतृत्व किया। और इस विद्यालय को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है कि आज तक 4 राष्ट्रपति और 5 प्रधानमंत्री इस विद्यालय में पधार चुके हैं। एक समय कन्या महाविद्यालय की छात्रा रही सत्यवती जी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय कृष्णकांत जी की मां हैं। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वाली सैकड़ों हजारों महिलाएं जलविद कन्याएं हैं। उन सब की सफलता के पीछे एक व्यक्ति का सपना था और उस सपने को साकार करने का साहस। अटल जी की यह टिप्पणी रही जो उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते वक्त दी थी कि अगर मेरी कोई पुत्री होती तो मैं चाहता कि वह कन्या महाविद्यालय में पढ़ती। पिछले 106 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, पर देश प्रेम और आपसी भाईचारे का दीप जो लाला देवराज ने प्रज्वलित किया था, आज भी वो उसी तरह से अपना प्रकाश फैला रहा है। और आज भी पुरानी छात्राएं नई छात्राओं का स्वागत उसी पारंपरिक गीत से करती हैं जो लाला जी के समय में गाया जाता था। Thank you.
सन 1886 में 6 छात्राओं के साथ शुरू होने वाला आर्य कन्या विद्यालय आज महाविद्यालय बन गया है। हजारों छात्राएं यहां शिक्षा प्राप्त करके देश विदेश में ज्ञान की उस रोशनी को ले गई हैं, जो एक पक्के इरादे वाले नौजवान ने दिखाई थी। लाला देवराज का सपना था कि लड़कियां शिक्षित हों, और वो जलविद हुईं। जलविद कन्याओं का सपना है कि जलविद विश्वविद्यालय बने। अपने अस्तित्व की दूसरी शताब्दी में अगर ये सपना साकार हो जाए तो आश्चर्य नहीं।